So there are some of the basic financial functions like NPV, IRR. So first of all, we'll start with NPV. Now, what is NPV? Basically, NPV is the present value of all the cash flows which are going to happen in future. Now, what is the present value? Present value means basically we take into account the time value of money. Whatever, एकदम बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे. एकदम बेसिक, लाइक इफ़ एनीबडी आस्क्स यू व्हाट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो आप उसको कैसे समझाओगे कि 1 ईयर बाद इफ़ यू आर गेटिंग 100 रुपीज़, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 100 रुपीज़ नाउ. अभी का जो 100 रुपीज़ है विल नॉट बी इक्वल टू द 100 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर. तो इन फ्यूचर जो आपको 100 रुपीज़ मिलेगा उसका वैल्यू अभी थोड़ा कम होगा. यानी कि और बेटर वे में इसको समझाएं, सो इफ़ आई हैव गिवन यू टू ऑप्शंस कि अभी आपको 100 रुपीज़ चाहिए या फिर 1 ईयर के बाद आपको 100 रुपीज़ चाहिए, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? आप ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन सिलेक्ट करोगे कि मुझे अभी दे दो 100 रुपीज़. बाय, क्योंकि अगर आपको अभी मिल जाते हैं 100 रुपीज़ तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, मे बी अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो. आपको कुछ उसमें से इंटरेस्ट मिल जाएगा उस पर, 5% का लेट्स सपोज इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको पूरे 1 ईयर का. तो 100 पे आपको 5% का इंटरेस्ट मिल गया, तो आपका 1 ईयर के बाद वही सेम अमाउंट विल बिकम 105. तो ये 5 रुपीज़ का एक प्रॉफिट हो गया आपको. तो इसका क्या मतलब है कि जब हम लोग वी डील विथ मनी, वी ऑलवेज कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या है कि मनी का वैल्यू इंक्रीज होता है, मनी का वैल्यू डिक्रीज होता है बेसिकली विद टाइम. अगर आपके पास 100 रुपीज़ है कैश अभी इन हैंड, तो अगर आप उसको 1 साल तक रख के रखोगे अपने पास, तो वो 100 रुपीज़ का वर्थ कम हो जाएगा. कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब आप शॉपिंग करने जा रहे हो. ज़रूरी नहीं कि अगर आपको अभी एक सामान 100 रुपीज़ में मिल रहा है तो फ्यूचर में आपको वो 100 रुपीज़ में ही मिलेगा. मे बी वो आपको 120 में मिलेगा, बिकॉज देर इज़ अ पॉजिटिव इन्फ्लेशन इन द इकनॉमी. हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं. और हम लोग अगर बोलते हैं कि इकनॉमी में पॉजिटिव इन्फ्लेशन है, तो यानी कि जनरल प्राइज ऑफ द इकनॉमी इज़ राइजिंग. तो अभी का 100 रुपीज़ विल नॉट बी इक्वल टू 1 ईयर बाद का 100 रुपीज़. यानी कि 1 ईयर के बाद जो आपको 100 रुपीज़ मिल रहे हैं उसका वैल्यू अभी मे बी 98, 95 ऐसे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इकनॉमी में क्या इन्फ्लेशन चल रहा है, क्या जनरल इंटरेस्ट रेट चल रहा है. तो इसको हम लोग जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो हम लोग उस समय क्या देखते हैं? उस समय हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग का प्रोजेक्ट सूटेबल है कि नहीं, वायबल है कि नहीं हम लोग के लिए. वायबल है कि नहीं हम लोग के लिए, इसका क्या मतलब है कि वेदर आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपको पॉजिटिव रिटर्न देगा कि नहीं फ्यूचर में. तो उस केसेस में वी कंसिडर द NPV और द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. तो इसमें क्या होता है, देखो, वील डू मैनी सम्स ऑन NPV. सबसे फर्स्ट तो हम लोग NPV फंक्शन को यूज़ करके NPV कैसे निकालते वो देखेंगे. नाउ देर आर टू वेज. फर्स्ट इज़ यूजिंग द NPV फंक्शन, उसको यूज़ करके आप NPV निकाल सकते हो. सेकेंड मेथड इज़ यूजिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड. तो इसमें क्या होता है, देखो, फर्स्ट हम लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से निकालते हैं अपने NPV को. सो सी, वी हैव आई हैव गिवन अ स्मॉल टेबल ऑफ कैश फ्लोज. टाइम जीरो पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो रहा है 500 का, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव साइन दिया है. बाकी टाइम 1, टाइम 2, 3, 4, 5 पे इनकम हो रहा है और वो मैंने यहाँ पे एज अ पॉजिटिव कैश फ्लो यहाँ पे लिखा है. अब मुझे ये पूरे कैश फ्लोज का नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है एट टाइम जीरो. तो इसके लिए हमने इंटरेस्ट रेट लिया है 10%. तो 500 का जो अभी मेरा आउटफ्लो है एट टाइम जीरो, इसका वैल्यू ऑब्वियसली 500 है एट टाइम जीरो. जो इनफ्लो है हमारा 30 का एट टाइम वन, इसका प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम जीरो विल बी लेस दैन 30. तो वो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, PVIF यानी कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग. प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए वी टेक द कैश फ्लो अमाउंट एंड वी डिवाइड इट बाय 1 + r⁻ⁿ, जहाँ पे r इज आर इंटरेस्ट रेट. सो दिस इज आर इंटरेस्ट रेट, 1 + r, r इज द इंटरेस्ट रेट, 2⁻ⁿ, n इज द टाइम. यहाँ पे हमारा टाइम क्या है, जीरो है. तो हमें इस पूरे फंक्शन में, इस पूरे फॉर्मूला में C8 इज आर कैश फ्लो, कैश फ्लो डिवाइडेड बाई 1 + r⁻ⁿ. n हमारा चेंज होगा हर कैश फ्लो के साथ जब हम इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करेंगे. बट जो हमारा r है, जो D6 है, जो D6 वाला सेल है, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा. तो इसको हम लोग कॉन्स्टेंट कर देंगे F4 से,
इसको हम लोग एब्सोल्यूट बना देंगे, क्योंकि आर विल नॉट चेंज, 10% विल नॉट चेंज एज योर टाइम इंक्रीजेज और योर फंक्शन इंक्रीजेज. अब देखो क्या हो रहा है, हम लोग का क्या कैलकुलेट हो रहा है, सी नाइन विच इज़ द फॉर्मूला विच इज़ द कैश फ्लो एट टाइम वन, सी नाइन बाय वन प्लस आर टू द पावर वन, वन इज़ वॉट, वन इज़ द टाइम. तो ये हमारा सारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दीज कैश फ्लोज कैलकुलेट हो गया एट टाइम ज़ीरो. ये सारा कैश फ्लो है एट टाइम ज़ीरो. तो अगर हम इन सारे कैश फ्लोज को ऐड कर दें, यानी ऐड क्यों करेंगे, बिकॉज आई हैव टेकन अ नेगेटिव साइन फॉर द कैश आउटफ्लो. तो कैश आउटफ्लो प्लस ऑल द कैश इनफ्लोज अगर हम लोग कर दें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एन पी वी मिल जाएगा एट टाइम ज़ीरो. तो सम ऑफ ऑल दीज प्रेजेंट वैल्यूज विल गिव अस द नेट प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम ज़ीरो, विल गिव अस द नेट प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम ज़ीरो. सो दिस इज़ द एन पी वी विच वी आर गेटिंग, -66.82. नाउ अगेन यूजिंग एन पी वी फंक्शन हम लोग निकालते हैं. एन पी वी फंक्शन इज़ वेरी ईजी टू यूज़. इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग को मैंशन करना पड़ता है रेट विच वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर आर कैलकुलेशन. रेट हमारा क्या है, 10% है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे. नेक्स्ट इज़ ऑल द कैश फ्लोज, वैल्यू वन वैल्यू टू, दीज आर द कैश फ्लोज. कैश फ्लोज हमारा क्या है, दीज, इसको मत ले लेना बिकॉज दिस वॉज द प्रेजेंट वैल्यू विच वी हैड कैलकुलेटेड. दिस इज़ द कैश फ्लो जो हमें लेना है. दीज आर द मेन कैश फ्लोज विच आर हैपनिंग एट ईच टाइम्स. तो ये पूरा कैश फ्लो हमने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, एंड आंसर इज कमिंग एज -60.74. नाउ यू ऑल कैन से कि आंसर तो मैच नहीं हुआ. दैट डजेंट मीन दैट आर डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच, डी सी एफ अप्रोच इज़ रॉन्ग और वेदर एन पी वी इज़ रॉन्ग. ऑब्वियसली हम लोग का डी सी एफ अप्रोच इज़ कम्प्लीटली करेक्ट. हमने एक्यूरेट फंक्शन फॉर्मूला यूज़ किया है ऑफ कैश फ्लो डिवाइडेड बाई वन प्लस आर टू द पावर एन. प्रॉपर फॉर्मूला यूज़ करके हमने निकाला है. एन पी वी फंक्शन में एक छोटा सा एरर होता है जो मोस्टली सब लोग कर देते हैं. क्या एरर होता है देखो यहाँ पे, बिकॉज एन पी वी में क्या है, मेरे स्लाइड का सेकेंड पॉइंट, वेन वी टेक द फर्स्ट कैश फ्लो ऑफ टाइम ज़ीरो इन द फंक्शन, इट पुशेज दिस एंड ऑल अदर कैश फ्लोज वन ईयर अहेड. इसका क्या मतलब है ना, कि ये जो हमने -500 अपने एन पी वी में इंक्लूड किया, अपने एन पी वी के वैल्यू में इंक्लूड किया, दिस -500 अकॉर्डिंग टू आर एन पी वी फंक्शन इज टेकन एट टाइम वन एंड नॉट एट टाइम ज़ीरो. इसका क्या मतलब है कि एन पी वी फंक्शन में जो हमारा फर्स्ट कैश फ्लो हम मैंशन करते हैं, जो ये हमारा वन फर्स्ट वैल्यू होता है, वैल्यू वन, दिस इज़ टेकन एज टू बी हैपनिंग ऑन टाइम वन एंड नॉट ऑन टाइम ज़ीरो. इसको अच्छे से कॉपी में बोल्ड लेटर्स में लिख लेना, दैट इन एन पी वी फंक्शन द वैल्यू वन विच यू टेक इन योर एन पी वी फंक्शन इज कैलकुलेटेड टू बी टेकन ऑन, इट इज़ टू बी टेकन ऑन टाइम वन एंड नॉट ऑन टाइम ज़ीरो. यानी कि फर्स्ट कैश फ्लो जो भी आप मैंशन करोगे वो टाइम वन पे लिया जाएगा, टाइम ज़ीरो पे नहीं लिया जाएगा. फिर उसके बाद का जो भी कैश फ्लोज है वो कॉरस्पॉन्डिंग ईयर्स में लिया जाएगा, जैसे दिस विल बी एट टाइम वन, दिस विल बी एट टाइम टू, टाइम थ्री एंड सो ऑन. तो ये टाइम वन पे होना नहीं चाहिए था. दिस 500 इज़ हैपनिंग एट टाइम ज़ीरो, नॉट एट टाइम वन. इसीलिए हमारा एन पी वी और ज़्यादा, इसीलिए एन पी वी इंक्रीज़ हो गया. क्यों इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि ये 500 का जो वैल्यू है ये और कम हो गया. मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे करके. सी, इफ़ यू कैलकुलेट द एन पी वी यूजिंग 10% एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ज़ीरो मैं क्या लूँगी, 0+1. मैं 0+1 क्यों लूँगी, क्योंकि हमने एन पी वी फंक्शन में क्या बोला कि एन पी वी फंक्शन में टाइम ज़ीरो पे वैल्यू वन को नहीं लेते, वैल्यू वन को टाइम वन पे लेते हैं. तो ये 0+1 क्या हो जाएगा, 1. तो ये टाइम वन पे हो रहा है अभी, इसका मतलब इस और सारा हम ऐसे ही ड्रैग कर देंगे. आई एम सो सॉरी, मैंने इसको एब्सोल्यूट नहीं किया, इसको हम एब्सोल्यूट करेंगे रेट को और फिर ड्रैग करेंगे. सो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड, ये टाइम ज़ीरो पे जो था इसको टाइम वन पे ले लिया है, इसको टाइम टू पे, 3, 4, 5 एंड 6. तो इसीलिए अब इसका जब हम सम निकालेंगे, तो देखना एन पी वी वाले के इक्वल आएगा. सो देखो एन पी वी में जो हम लोग का आंसर आ रहा है वो इसके जैसे अकॉर्डिंगली सेम आ रहा है. बट दिस मेथड इज़ रॉन्ग,
आर एन पी वी आंसर शुड बी -66.82। तो उसके लिए हम लोग कैसे ओवरकम करेंगे, बहुत सिंपल है। आप पहले एन पी वी फंक्शन लो, रेट लो 10%, कैश फ्लो लो सारा एक्सेप्ट टाइम ज़ीरो वाला, क्योंकि क्योंकि ये जो हमारा कैश फ्लो है D9, फर्स्ट कैश फ्लो जो है ये टाइम वन पे ही अकर हो रहा है, ये टाइम वन पे ही अकर हो रहा है, तो टाइम वन पे ही इसको अकर करवाना था, और टाइम टू पे, थ्री पे, फोर पे, फाइव पे, सो ऑन। खाली ये जो टाइम ज़ीरो वाला फिगर है इसको हम लोग को अपने एन पी वी कैलकुलेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा। सो दीज आर द एन पी वी ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द इनफ्लोज ऑफ ऑल द कैश फ्लोज फ्रॉम टाइम वन टू टाइम फाइव। इसमें टाइम ज़ीरो को कंसिडर नहीं किया गया, तो टाइम ज़ीरो को कंसिडर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे टाइम ज़ीरो वाला कैश फ्लो विच इज़ -500 वो हम लोग सिंपली यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। एंड सी आर आंसर, वन सेकेंड, मैंने ये वाला कैश फ्लोज ले लिया, कैश फ्लोज मुझे ये वाला लेना चाहिए था। सो दीज आर द कैश फ्लोज विच आर हैपनिंग एट टाइम वन टू थ्री फोर फाइव एंड एन पी वी फंक्शन में फर्स्ट कैश फ्लो वैल्यू वन स्टार्ट्स फ्रॉम टाइम वन एंड नॉट फ्रॉम टाइम ज़ीरो। तो इसीलिए टाइम ज़ीरो वाला कैश फ्लो कभी भी एन पी वी वाले फंक्शन में मत लेना। अगेन राइट इट डाउन, टाइम ज़ीरो वाला कैश फ्लो कभी भी एन पी वी फंक्शन में मत लेना, ठीक है। तो एन पी वी आपका क्या हो गया, टाइम वन से लेके टाइम फाइव तक का आपका सारा कैश फ्लोज आपने एन पी वी में डाल दिया। नाउ दीज आर द एन पी वी ऑफ ऑल द पॉजिटिव कैश फ्लोज और द इनफ्लोज। तो हम लोग को टाइम ज़ीरो वाला भी कैश फ्लो इंक्लूड करना है, दैट इज़ द नेगेटिव कैश फ्लो। तो हमने क्या किया, -500 लगा दिया। तो आंसर देखो -66.82 एंड दिस इज़ कमिंग इन रेड विथ अ करेंसी सिंबल वाई, अगेन बिकॉज दिस इज़ अ फिनेंशियल फंक्शन एंड इसका आंसर हमेशा हमें ऐसे ही मिलता है, बिकॉज एज वी डिड इन द पी एम टी फंक्शन में भी आंसर हमें ऐसे ही नेगेटिव विथ अ रेड साइन, रेड कलर विथ अ करेंसी साइन मिलता है। सो नाउ दिस टू आर द करेक्ट आंसर, दिस वॉज द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग एन पी वी कैलकुलेशन, देर यू टेक टाइम ज़ीरो कैश फ्लो ऑल्सो। टाइम ज़ीरो वाला कैश फ्लो कभी भी अपने इक्वेजन में नहीं लेना है। नाउ अ स्मॉल कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। नाउ लेट्स से सपोज 10% इज़ द इंटरेस्ट जो आपके, सपोज 500 मैंने बैंक से लोन लिया एंड मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मेरे लिए नेगेटिव कैश फ्लो है जो मैंने इन्वेस्ट किया है, तो -500 एंड मैंने 10% का इंटरेस्ट रेट लेके सारा पॉजिटिव कैश फ्लोज लिया है और फिर उसको पॉजिटिव कैश फ्लोज को हम उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। नाउ इफ़ योर एन पी वी इज़ कमिंग टू बी नेगेटिव विच इज़ -66.82, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज is greater than the present value of all the inflows. तो अगर आपका present value of all the outflows is greater than the present value of all the inflows, तो आप वो project नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका outflow ही ज़्यादा हो रहा है, आपका expense, आपका outflow ही ज़्यादा हो रहा है आपके income से, आपके inflow से, तो वो project is not viable, we'll reject that particular project. So according to NPV, we are rejecting this particular project because इस project में हमें loss हो रहा है, हमारा हमारा inflow हमारे outflow से बहुत कम है। कितना कम है, हमारा loss कितने का होगा, हमारा loss होगा -66.82 का loss होगा if we take this project. So thank you, in next class we'll do IRR function.